भारत की ये सक्सेसफुल स्पोर्ट्स स्टोरी भारत की ओवरऑल सक्सेस स्टोरी से अलग नहीं है। भारत आज हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत की स्पीड और स्केल का मुकाबला आज मुश्किल है। भारत कैसे आगे बढ़ रहा है इसका अंदाजा आपको बीते 30 दिनों के काम और उपलब्धियों से मिलेगा। साथियों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। आप कल्पना कीजिए आपका उज्जवल भविष्य कैसे तैयार की जा रहा है। मेरे नौजवान, गौर से सुनिए, सिर्फ 30 दिन के मैं काम बताता हूं आपको। पिछले 30-35 दिन में क्या हुआ है और आपको लगेगा अगर इस स्पीड और स्केल से देश आगे बढ़ रहा है तो आपके उज्जवल भविष्य की मोदी की गारंटी पक्की है। बीते 30-35 दिनों में ही नारी शक्ति बंधन अधिनियम कानून बना, गगनयान से जुड़ा एक बहुत ही अहम टेस्ट सफलता से किया गया, भारत को अपनी पहली रीजनल रैपिड रेल नमो भारत मिली, बेंगलुरु मेट्रो सेवा का विस्तार हुआ, जम्मू कश्मीर की पहली विस्टाडोम ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई, इन्हीं 30 दिनों में दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, भारत में G20 देशों के सांसदों और स्पीकर्स का सम्मेलन हुआ, भारत में ग्लोबल मैरिटाइम समिट हुई, इसमें 6 लाख करोड़ रुपए के समझौते हुए, इजराइल से भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया, 40 साल बाद भारत और श्रीलंका के बीच फेरी सर्विस शुरू हुई, यूरोप को पीछे छोड़ते हुए भारत 5G यूजर बेस के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में पहुंचा। एप्पल के बाद गूगल ने भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन बनाने का ऐलान किया। हमारे देश ने अन्न और फल सब्जी उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया। साथियों, ये तो अभी हाफ टाइम हुआ है, अभी मेरे पास गिनाने को और भी बहुत कुछ है।